अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसिपीज़ बाय बंगश। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे व्हीट फ्लावर से बने हुए कुलचों की रेसिपी। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसमें हम कुछ स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जिससे ये बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी। इसे हम बग़ैर मैदे के बनाएँगे और इसे हम बग़ैर तंदूर के बनाएँगे और इसे हम ओवन में बनाएँगे। तो ये बहुत ही ईजी रेसिपी है। चलिए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हमने लिया है एक बाउल, उसमें हमने ऐड किया है सादा आटा जो घर में हम यूज़ करते हैं वो आटा हमने लिया है। उसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून ईस्ट और नमक हसबे जायका और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो मैंने तकरीबन 2 कप आटा लिया है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी। चीनी के ऊपर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, उसे हम अच्छी तरह से डिसॉल्व कर देंगे। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही। दही जो हमने लेना है वो बिल्कुल फ्रेश लेना है और मीठा दही लेना है। और इसे अब अच्छी तरह से हम गून लेंगे। तो आटे को हम जो है वो ना बहुत सख्त गून लेंगे, हम इसे नॉर्मल सॉफ्ट सा आटा गून लेंगे। ये देखिए हमारा जो आटा है वो अच्छी तरह से गून चुका है। इसे हम सेट कर देंगे हाथों की मदद से और इसे कवर कर देंगे और इसे खमीर होने के लिए रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। अगर आपका इलाका जो है वो ठंडा है तो आप इसे 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो ये देखिए जो हमारा आटा है वो अच्छी तरह से राइस हो चुका है। अब हम इसके पेड़े बनाएँगे। तो आपने एक पेड़ा सा ले लेना है, उसे अच्छी तरह से हाथों की मदद से सेट कर देना है। हाथों को अच्छी तरह से ग्रीस कर दें ऑयल के साथ और इसे अच्छी तरह से सेट कर दें। और अब हम इसका नान बनाएंगे। तो आप इसे हाथों की मदद से फैला दें, इसे एक रोटी की शक्ल दे देना है आपने। तो जो हम इसकी रोटी है वो थोड़ी सी थिक रखेंगे। तो उंगलियों की मदद से इसे सेट कर दें और इस तरह से इसमें डिज़ाइन बना दें। अगर आपको उंगलियों के साथ बनाना नहीं आता तो आप फोक की मदद से भी इसे सेट कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर ब्रश करेंगे एग योक। एग योक में मैं थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दिया है, उसे हम इसी तरह से मिक्स कर देंगे और इसके ऊपर ब्रश कर देंगे। इससे जो है नान पे अच्छी तरह से ज़बरदस्त किस्म का गोल्डन ब्राउन कलर आएगा। तो सारे साइड्स पे अच्छी तरह से ब्रश कर देना है। अच्छी तरह से ब्रश करने के बाद हम इसके ऊपर स्प्रिकल कर देंगे ब्लैक और वाइट तिल। और इसे हम बेक कर देंगे 180 सेंटीग्रेड पे या 200 सेंटीग्रेड पे 10 मिनट्स के लिए। और ये जो हमारा नान है वो अच्छी तरह से बेक हो चुका है। अब हम आपको इसे दिखाएंगे। तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है और बहुत ही मज़े का बनता है। ये देखें हमारा नान जो है वो परफेक्टली बेक हो चुका है। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। और अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।